क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जो लिकर्स होती हैं और जो गुटखा होती हैं उन पर बैन कर देना चाहिए? क्योंकि सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है और हमको भी पता है कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, मगर फिर भी गवर्नमेंट है ना, इनको चलने दे रही है लिकर्स को। यानी खुद ऐसे तो डायरेक्टली तो नहीं, पर इनडायरेक्टली तो चलने ही दे रही है ना। जितने भी बहुत यानी बहुत स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने लिकर्स को बैन करके रखा है, जैसे कि हो गया बिहार, हो गया गुजरात, हो गया, पर इलीगल तरीके से वहाँ पे अभी भी बिक रही हैं, तो सबको ही पता है, वो तो गवर्नमेंट को पता है। लेकिन जहाँ पे भी चालू है ना, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट उनके ऊपर बैन नहीं करी। एंड जितने भी हम देखते हैं कि स्टोर्स हैं लिकर्स के, तो ऐसे बहुत से स्टोर्स मिल जाएंगे। अब मैं तो फिलहाल राजस्थान से हूँ, तो मैं तो अगर जाता हूँ तो अगर 5 किलोमीटर के एरिया में भी जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को 4-5 शॉप मिल ही जाती हैं लिकर्स की। एंड गुटखा तो हर दुकान पे मिलता ही है, और जो खाने वाले ना उनको भी पता होता है, भाई पीने वाले होते हैं ना उनको भी पता होता है कि ये बहुत हार्मफुल है, मगर वो फिर भी पीते हैं। और गवर्नमेंट भी है ना इस चीज़ को रेगुलेट करती है, क्योंकि उनको, गवर्नमेंट को क्या होता है पता है कि गवर्नमेंट को अगर अगर वो लिकर बैन कर देगी ना, तो उनको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो नहीं मिलेंगे, उनके टैक्सेस है ना बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लिकर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स गेन करती हैं गवर्नमेंट्स। और जो हमारे लिए जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना हमको, जैसे फ्री सर्विसेज दी जाती हैं, पेंशन दी जाती हैं, जितनी भी सर्विसेज हमको दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना लिकर से, तो उन्हीं टैक्सेस पे हमको वो सर्विसेज दी जाती हैं। अगर गवर्नमेंट उनको बैन कर देगी ना, तो हमारे लिए वो सर्विसेज मिलना बहुत नामुमकिन हो जाएगा, और गवर्नमेंट अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चला पाएंगी एक स्टेट के अंदर। उनके पास रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा अगर वो लिकर पे बैन कर देंगे। तो इसके लिए जब कोरोना का टाइम आया था ना, तब सबसे पहले जो केरला की जो सरकार थी ना, उसने लिकर स्टार्ट कर दिए थे, यानी होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि लिकर्स बिके। और जब कोरोना का टाइम था तो उनके पास रेवेन्यू आ नहीं रहा था, तो उनको पता है लिकर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने होम टू होम जाके लिकर्स प्रोवाइड की थी, और उसके बाद उनके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और जो अब उसको प्रोवाइड यानी जो उनको यानी वो क्या करते हैं आगे, जो लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं कि लोगों को पता चले कि भाई इस ब्रांड का क्या है, ये ब्रांड है और इस ब्रांड की दारू है या इस ब्रांड का गुटखा है, तो वो कैसे होते हैं? तो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ करके नहीं रखा। कोई भी कंपनी है ना, डायरेक्ट है ना, अपना एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी पर नहीं दिखा सकती इन चीज़ों के बारे में, जो गुटखा है उनके या लिकर है उनके बारे में। तो कंपनीज क्या करती हैं, सैरोगेट एड्स, यानी सैरोगेट एड्स का मतलब यानी जो कंपनी है ना, जैसे कि विमल हो गई, तो विमल क्या करती है, वो ऐड दिखाती है, तो वो अपना जो गुटखा है ना उसका ऐड नहीं दिखाती, उसके बदले वो या तो इलायची, तो यानी विमल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गुटखा ही नहीं आता, तो इलायची के जो प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए अच्छे हैं, जैसे इलायची हो गया, ये सब हो गया, तो वो क्या करते हैं उनके एड्स दिखाते हैं। पर लोगों को तो पता है कि भाई विमल किसके नाम से, गुटखा के नाम से, तो लोग तो समझ जाते हैं भाई विमल है तो मतलब गुटखा, तो वो नाम एक लोगों के समझ माथे में है कि जो विमल है वो अगर उसका ऐड है तो गुटखे से ही होगा, वो पढ़ते नहीं इलायची है। और कंपनीज का फ़ायदा उठाती है, कंपनीज डायरेक्ट तो अपना ऐड दिखा नहीं सकती ना गुटखे से, तो वो ऐसे सैरोगेट ऐड्स निकालती है जिसके वजह से उनके नाम से ना वो चीज़ें बिकें, वो किसी और चीज़ का, जैसे इम्पेरियल ब्लू है, वो सीडी का प्रचार करती है, बल्कि इम्पेरियल ब्लू सीडी बनाती है, मगर जो उसकी जो मेन चीज़ है ना, जिसकी उसकी कमाई है, वो है क्या, दारू पे। तो वो क्या करती है, अपनी सीडी की ऐड दिखा के अपनी दारू बिकवा रही है। तो ऐसे ही बहुत से ऐड्स हैं भाई इंडिया में, और इन्हें कंडक्ट भी करती है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना के रखे हैं इनके ऊपर जो कंट्रोल करने के, इसके लिए सैरोगेट एड्स चलते हैं, क्योंकि वो जो लॉस बना के रखे ना उसके तहत है ना, कोई भी डायरेक्टली कोई एड्स नहीं दिखा सकता, इसके लिए वो सैरोगेट एड्स का यूज़ करती हैं कंपनियाँ अपने सामान को बेचने के लिए। तो अभी अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी अक्षय कुमार वाली की, उन्होंने है ना उसके जो प्रोडक्ट है ना विमल इलायची, उसका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था, बल्कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी भी किसी भी गुटखा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, पर उन्होंने किया। अभी पैसे, भाई पैसे इतनी बड़ी चीज़ है, अगर कोई आपको 5 करोड़ दे रहा होगा तो आप भी ऐड करोगे ना, क्यों नहीं करोगे, सब करेंगे, मैं भी करूँगा, अगर मेरे को 5 करोड़ देंगे तो मैं भी करूँगा, क्यों ना करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यों गवर्नमेंट इन सबको बैन नहीं करती है, क्यों अभी हमारे देश में लिकर ये सब चालू हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर बाद में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो टाटा बाय बाय।